नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आजम खान की रिहाई होने वाली है और ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में रिहा होने वाले हैं आजम खान। आज जेल खुलते ही होगी आजम खान की रिहाई। गेट पर इंतजार में खड़े बेटे और शिवपाल भी पहुंच चुके हैं। हम सीधा रुख करते हैं सीतापुर जेल का, जहां पर संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी, क्या अभी तस्वीरें, क्या अपडेट? देखिए, 7:30 बजे जब सीतापुर जेल जब खुलती है, तब उसके बाद से रिहाई की कागजी कार्रवाई शुरू हुई है और आजम खान की रिहाई को लेकर के कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। देर रात में ही रामपुर कोर्ट के द्वारा जो रिहाई का परवाना होता है, रिहाई का आदेश जो होता है, वो सीतापुर जेल पहुंच चुका था। उसके बाद से आज जब 7:30 बजे रिहाई जब जेल खुली है, उसके बाद से उनकी रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई होती है, वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर का वक्त और लग सकता है, लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके की हलचलें हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवपाल यादव अंदर हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। जो सहारनपुर सीट से विधायक हैं आशु मलिक, वो पहुंचे हुए हैं। आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब, दोनों ही बेटे पहुंचे हुए हैं। जो तीन गेट नजर आ रहे हैं, पहला गेट, उसके बाद दो गेट और हैं, वह जो आखिरी का गेट है, उस गेट पर चारों लोग, शिवपाल यादव, आशु मलिक और आजम खान के दोनों बेटे, वहां पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब आजम खान बाहर आएंगे, तो 27 महीने के बाद का वक्त होगा जब आजम खान बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम बेल दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर आजम खान को रेगुलर कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा। 27 महीने के बाद आखिर आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं और वो जेल से जो कागजी कार्रवाई है उनकी पूरी हो चुकी है और अब उनका काफिला बाहर निकल रहा है। आगे सीतापुर जो जिला प्रशासन है, उनकी गाड़ियां हैं, वो उनको स्कोर्ट करेंगी। सीतापुर से शाहजहांपुर के रास्ते वो सीधे रामपुर जाएंगे। बता दें कि आजम खान की आज रिहाई के वक्त शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के MLA आशु मलिक भी पहुंचे थे और आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब, ये दोनों बेटे भी पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही अगर कहा जाए कि तमाम समर्थक भी पहुंचे हुए थे। तो अगर ये आज आजम खान अब रामपुर जाएंगे बाय रोड, उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ पर जो उनके समर्थक थे, उनको शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन ने रोक रखा था। गेट पर मीडिया का भारी जमावड़ा और अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं और उसके बाद जब वो बाहर आएंगे, वो रामपुर के लिए रवाना होंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कि आज 27 महीने बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर निकल रहे हैं। आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे और ये उनके आप पहली बार बहुत दिन बाद उतरे हो, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कैसे देखते हैं ये जो अंतरिम जमानत मिली? बहुत झटका नहीं भाई, झटका नहीं। आजम खान के जो बेटे हैं अदीब, वो पहुंचे जेल से बाहर आए हुए हैं और वो बात भी कर रहे थे। उस सीधे से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उनको अंतरिम जमानत मिली है, उसका स्वागत कर रहे हैं। आज भावुक पल, 27 महीने बाद आज आजम खान बाहर की हवा लेंगे, सांस लेंगे। 27 महीने से लगातार आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे। फरवरी 2020 में जब उनको लाया गया था और अब ये उनके बेटे बाहर निकल रहे हैं। बाहर अदीब, जो उनका बेटा है, बड़े बेटे, उसके बाद अब्दुल्ला आजम अंदर हैं, जो विधायक भी हैं अभी 2022 के चुनाव में, तो वो साथ में रहेंगे। शिवपाल यादव और अशु मलिक, ये तीन लोग अभी अंदर ही हैं। बेटा अदीब बाहर निकल चुका है। जो कागजी कार्रवाई है वो थोड़ी देर में जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद आजम खान इस जेल की गेट से बाहर निकलकर सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे। रोहित के साथ संतोष कुमार। आजम खान के लिए एक सुखद खबर नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 27 महीने बाद जेल से आजम खान की रिहाई होने वाली है बस थोड़ी देर में, और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बाकायदा चाक चौबंद है। वहां पर उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जैसा कि संतोष बता रहे हैं कि शिवपाल यादव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आशु मलिक भी पहुंचे हुए हैं। संतोष, जानना चाहेंगे और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं? हालांकि हम ये देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां से गायब है।
देखिए देखिए ये तस्वीरें कि आजम खान की गाड़ी बाहर निकल रही है, ये आजम खान के निकालने के लिए सीतापुर जेल का गेट खुल चुका है और ये गाड़ियां जो सीतापुर जेल प्रशासन के जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई, आजम खान बाहर निकले हैं, उसके आगे जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनकी गाड़ी है, सिटी मजिस्ट्रेट के पीछे गाड़ी है, ये एसडीएम स्तर के अधिकारी की गाड़ी है और उसके पीछे जो गाड़ी है उसमें आजम खान है, मौजूद है अंदर, आजम खान अब्दुल आजम के साथ बाहर निकल रहे हैं, अब्दुल आजम और शिवपाल यादव ये दो लोग अंदर पहुंचे हुए थे, आशु मलिक भी हालांकि पहुंचे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात सीट से विधायक हैं। और ये देखिए अब आजम खान की गाड़ी निकालने के लिए बाहर सीतापुर जेल का जो आखिरी दरवाजा है वो भी खुल चुका है और धीरे धीरे उनका काफिला बाहर निकल रहा है, आजम खान अंदर है गाड़ी के और कहा जाए कि वो बाहर हैं, अंदर हैं, वो सबसे आगे बैठे हुए हैं आजम खान और उनके साथ में पूरे तरीके से लोग हाथ हिला इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये गाड़ी निकल रही है, आजम खान इसमें बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन उनके द्वारा भी मना कर दिया गया है, और अब्दुल्ला आजम की गाड़ी में बैठे हुए हैं आजम खान, अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं आजम खान, और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो पीछे शिवपाल यादव की गाड़ी लगी हुई है, वो अपने बेटे की गाड़ी में पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पीछे शिवपाल, ये अब्दुल्ला आजम की गाड़ी है, अब्दुल्ला आजम उनके बेटे जो विधायक भी हैं रामपुर से वो पहुंचे हुए हैं, और अब शिवपाल यादव की गाड़ी पीछे है, ये अब्दुल्ला आजम खान को ले जाते हुए उनके बेटे की गाड़ी है, और शिवपाल यादव अभी जेल के गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आजम खान का काफिला बाहर निकले तो वो बाहर अपनी गाड़ी से वो भी रवाना होंगे। तो ये देखिए शिवपाल यादव की गाड़ी भी आगे निकल रही है, हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो सके। देखिए न्याय की जीत हुई है, आजम खान साहब की जीत हुई है, ये कैसी इस लड़ाई में वो आपके साथ आएंगे क्योंकि अब लड़ाई अब देखिए हम लोग समाजवादी हैं और हमेशा देखिए नेताजी से हम लोगों ने सीखा है सुख दुख में साथ रहना, और कहीं पर भी सुख दुख में जो भी साथी अगर कहीं अखिलेश यादव ने जो ट्वीट नहीं किया में अगर संकट में आजम खान के परिवार तो ये तो अखिलेश यादव से पूछिए ना, इसका समाधान देखिए आजम भाई हमारे साथी रहे हैं और हैं। तो रामपुर जा रहे हैं आप साथ में? आप रामपुर जा रहे हैं? नहीं इस समय तो हम सीधे लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा आयोजन भी कोई बात आपकी हुई आजम साहब से क्या बोले वो? हमारी बातचीत आज भी हुई है और फिर आगे भी होती रहेगी। आप रामपुर भी जाएंगे? आजम के समर्थकों में ये शिवपाल यादव हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अब लखनऊ जा रहे हैं और लखनऊ में जाने के बाद उनकी एक दो दिन बाद आजम खान से मुलाकात होगी। तो सीतापुर जेल से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और आजम खान की रिहाई हो रही है। कल देर रात उनको उनके बेल ऑर्डर पहुंच चुका था जेल में और अब उनकी रिहाई कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, और साथ में शिवपाल यादव मौजूद हैं, आजम खान के दोनों बेटे वहां पर मौजूद हैं, अब्दुल्ला आजम और अदीब की बात करें वो भी मौजूद हैं, और अब्दुल्ला आजम की गाड़ी में बैठे हुए आजम खान इस वक्त। जी संतोष वहां की तस्वीरें बताएं, वहां पर जो भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं दर्शकों को दिखाएं। संतोष चलिए संतोष का रुख करेंगे। इस बार आपको बता दें कि 27 महीने बाद जेल से आजम खान की रिहाई हो रही है, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात, और देखिए नारेबाजी भी हो रही है, उनके समर्थक जो हैं वो निश्चित तौर पर खुश हैं, आजम खान के समर्थक उनके स्वागत ये किस तरह से की जा रही है क्योंकि ये बहुत कुछ बयां कर रही है तस्वीरें।
देखिए आजम खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सीतापुर जेल से ये बाहर की तस्वीरें, शिवपाल भी पहुंच चुके हैं। 27 महीने के बाद जेल से आजम खान की रहाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी। ना सिर्फ आजम खान के लिए ये बड़ी बात, उनके परिवार वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी, क्योंकि इस वक्त ज्ञानवापी का मामला भी चल रहा है। आजम खान आएंगे निश्चित तौर पर, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। 88 मामले थे, 87 मामलों में उनको पहले जमानत मिल चुकी थी, एक मामले में वो बंद थे। 27 महीने के बाद आखिरकार वो घड़ी आई, वो दिन आया जब आजम खान खुली हवा में बाहर आ गए हैं, सांस ले सकते हैं। तो 27 महीने के बाद जेल से आजम खान की रिहाई, दो तस्वीरें, सीतापुर जेल से ये सीधी तस्वीरें, बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिवपाल यादव की भी मौजूदगी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बड़े जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं वो नहीं है, उनकी मौजूदगी वहां पर नहीं है।